आमदन से जायद असा से नैब ने शहबाज शरीफ की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी है। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असा बनाने का इल्ज़ाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आमदन से जायद असा बनाने के हवाले से नैब ने शहबाज शरीफ की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा। साबिक वजीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पहले ही नैब की हिरासत में है और जो है उनको जिस्मानी रिमांड पर उनसे तहकीकत की जा रही है। आशाना इकबाल 56 कंपनी स्कैंडल की एक कंपनी थी, लैंड डेवलपमेंट कंपनी, उसका एक प्रोजेक्ट था आशाना इकबाल स्कैंडल, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। उनके इल्जाम की तहकीकत की जा रही है, लेकिन आज जो है एक और केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नैब की जानिब से डाल दी गई है। उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने अपने आमदन से जायद असासे बनाने का उन पर इल्जाम है, जिसकी नैब अथॉरिटी की जानिब से इंक्वायरी की तहकीकात की गुज़श्ता रोज जो है वो मंजूरी दी गई थी बाकायदा तौर पर, और आज जो है उन्हें इनकी एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और 29 तारीख को जो नैब ज़राए का ये कहना है कि 29 तारीख को जो है वो उनको पेश किया जाएगा साब अदालत, और उसी रोज जो है 15 रोजा जिस्मानी रिमांड लेने की जो है इस्तदा की जाएगी, और उसी रोज जो है राहदारी रिमांड लेने की भी इस्तदा की जाएगी, क्योंकि इन्होंने नेशनल असेंबली में भी इजलास में जाना है, अपोजिशन लीडर है उनको वहां पे ले जाना है, उसकी मामले एक रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो राहदारी रिमांड के लिए भी जो है इस्तदा की जाएगी। लेकिन अब जो ये शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल में मजीद जो है इजाफा बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि शरीफ खानदान के लिए, क्योंकि आज जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और नैब ने गिरफ्तारी डाली, तो उसके साथ ही उनके बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को भी जो है आमदन से जायद असासे बनाने पर जो है नैब नोटिस जारी कर चुका है, उनको भी तलब कर चुका है, उनको भी तलबी उनकी नोटिस भिजवा दिया गया है, और उनको भी जो है आइंदा आने वाले हफ्ते में वो भी जो है नैब के रूबरू पेश होंगे, उनकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सवाल के जवाब देंगे। जहां पर शहबाज शरीफ ने जो है पहले आशाना इकबाल का जो है उनको जो फेस कर रहे हैं, उनके मुतद्दिस उन पर सवाल इल्जाम लगते नजर आ रहे हैं और सवाल उनकी परफॉर्मेंस पर भी उठते नजर आ रहे हैं। अब जो है एक और केस खुल गया है, वो आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है। अब वो इसको किस तरह टैकल कर पाते हैं, क्योंकि पहले भी ये चीज चलती रही है और शहबाज शरीफ जो है कई आम सबूत जो है वो नैब को जो है फराम नहीं कर सके थे आमदन से जायद असासे बनाने से मुतल्लिक, लेकिन अब जो ये ज़राए का ये दावा है कि कुछ गुज़श्ता रोज जो है कुछ इब्तदाई रिपोर्ट सामने रखी गई थी कि शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासे बनाए हैं और कुछ आम मालूमात जो है नैब को मौसूल नहीं हुई थी, जिसके हवाले से इनसे मजीद तहकीकात करने के लिए बहुत जरूरी था कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इनको दोबारा जो है एक और केस में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, और इनके बाकायदा तौर पर इनको भी बता दिया गया है। और यह भी बताया गया है कि शहबाज शरीफ जो है अब जो अपने आमदन से जायद असासों से उनको तफसीलात से आगाह करेंगे, और जो असासे बनाए हैं जो पहले उनके क्या कारोबार थे।